नहीं आता है तो हम जोरों से तालियां बजाते हैं, अरे वाह क्या नेता मिला है। कोई हार्दिक पटेल आता है तो अरे वाह क्या पटेलों को क्या नेता मिला है। लेकिन क्या आदिवासी का कोई एकाध युवा अगर समाज के लिए लड़ भी ले, जेल में जाने को तैयार भी हो जाए, क्या उसे हम नेता मानेंगे? हमारी मानसिकता है क्या किसी युवाओं को हमारे नेतृत्व सौंपने की? वो 24 साल के हार्दिक पटेल को नेतृत्व सौंपे, पूरा मराठा, हमारे महाराष्ट्र में मराठाओं ने आरक्षण ले लिया। क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, बस ताकत थी ताकत। लाखों की भीड़ जमा करते थे बॉम्बे में, कहीं भी महाराष्ट्र में आरक्षण ले लिया। आज सवर्ण की 10% की बात कर रहे हैं। लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 50% के आगे हम संविधान में किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। आज भारतीय संविधान का आरक्षण का टक्का क्या है? जो आदिवासी को 7% आरक्षण मिला है, क्या वो मिल रहा है? मुझे तो लगता है हम सब हैं आरक्षण के लाभार्थी। लेकिन मेरे वो पहाड़ में बसा जो आदिवासी आज भी ढोल बजाता है, मांदल बजाता है, वो यहां आ पाया है? हम तो उनकी बातें कर लिया करते थे, आज भी करते हैं। वारू बाबा तो कहते हैं कि उनके स्टेज पर हमें बुलाकर अपनी बातें वो खुद कहते गए। हमें उनके प्रश्न से ना लेना देना था, ना उनके विचारों से, ना आदिवासियों से। तो ये बात हमें सोचनी होगी। और जहां तक नए तेवर वाला, नए जोश वाला, उत्साह वाला युवा आता है, उनको तो हम देखेंगे। पिछले 2-4 सालों में आदिवासी युवाओं में एक अलग ही एक राजनीतिक सोच पनपने लगी है। यहां गुजरात में बीडीपी के नाम से कई युवा जुड़े हैं कि चलो हमारी भी एक पार्टी हो, आदिवासी की बात हम रखेंगे। एमपी में डॉक्टर अलावा ने आपकी बार आदिवासी सरकार का नारा दिया, हम उनके साथ भी गए। कई अन्य ऐसे आंदोलन है जहां हम आदिवासियों की बात करते हैं और हर समय इस मंच पर आकर नेताओं को बहुत गाली गलौज करते हैं कि नेता हमारा ऐसा है, नेता हमारा वैसा है। लेकिन यहां से हम जाएंगे तो जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी लीनता है, जो हमारी नम्रता है, वो बेच के खाएंगे और उन्हीं के कदमों में पड़े रहेंगे। कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि जो यहां से जाने के बाद हिंदूवादियों के साथ मिले बैठे मिलेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो यहां हिंदुओं के झंडे लेकर आए हैं, वो कैसे रंग लाएंगे, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, लेकिन आदिवासी के झंडा कोई लाना नहीं चाहता। तो जो रुद्र लिखते हैं कि मैं लिख तो सकता हूं लेकिन मेरी सुनेगा कौन, मेरी जमानत कराएगा कौन, उसी पर आदिवासियों की संस्कृति का जो मेहरबान विषय होता है उस पर आगे ले जाके मैं आज की बात करूंगा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विषय हुआ, वो पूरा पुतला हो गया, स्टैच्यू पूरा बन गया, उसके बाद हमने आंदोलन खड़ा किया। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ, डीबीटी का जीआर निकल आया, पूरे हॉस्टल में से सब बच्चे गांव को चले गए। दूसरे साल आए, डीबीटी तब तक लागू हो चुका था, तब हमने विरोध किया। लेकिन ये कब होता है? जब पूरा